सो so, चलो भाई मज़ा आने वाला है होपफुली यू आर ऑल गोइंग टू एंजॉय एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो क्या करना है सबसे पहले भगवान को याद करो मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप पढ़ना शुरू करते हो ना कोई लेक्चर देखना स्टार्ट करते हो कोई मैराथन देखना स्टार्ट करते हो कोई भी शुभ काम करते हो तो यार अपने भगवान को याद करो और भगवान को याद याद करके उनके ब्लेसिंग्स लो कि सर हम यहाँ पे जो भी करने वाले हैं इसका एकदम फ्रूटफुल रिजल्ट अपने को मिले और आप देखना कि कितना मजेदार रिजल्ट आपको मिलने वाला है ठीक है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा क्या मैराथन में ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा तो नहीं हो पाएगा बट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रैक कैसे करना है उसका कोड उसका टेक्निक मैं आपको बताऊंगा ठीक है ना तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट इथ द बेसिक्स ऑफ ऑडिट अब नॉर्मली क्या होता है ये चैप्टर्स के साथ कवर्ड होता है बट मेरा ये मानना है कि अगर ये बेसिक्स तुमको नहीं पता ना तो ऑडिट पढ़ना तुम्हारा बेकार है हर चैप्टर में तुम अटकोगे हर चैप्टर में तुम फंसोगे तो कुछ बेसिक्स होते हैं ऑडिट में जो तुम्हारे क्लियर होने चाहिए सो so, वो अपन फटाफट ब्रश अप करेंगे और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे सबसे पहले देखना ऑडिट में एक शब्द जो आपको बार बार देखने को मिलने वाला है दैट इज एजर्शन एजर्शन क्या होता है सर एजर्शन क्या होता है तो आपको बार बार मिलेगा एजर्शन जगह जगह मिलेगा एजर्शन तो एजर्शन का मतलब होता है समथिंग दैट द मैनेजमेंट इज एजर्टिंग

एजर्शन का मतलब क्या होता है रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट इम्बॉडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके सर और रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो इम्प्लाइड भी हो सकता है या वो एक्सप्रेस भी हो सकता है तो एजर्शन का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हर एक आइटम है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हर एक आइटम है ना वो मैनेजमेंट के दिया मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया एक रिप्रेजेंटेशन है तुमको एक चीज पता है कि नहीं पता कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर एक आइटम तुमसे कुछ कहता है तुमसे बात करता है क्या बात कर रहे हो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर एक आइटम से हमसे बात करता है जी हां हर एक आइटम आपसे बात करता है मान लीजिए लेट अस से बैलेंस शीट के अंदर आप लैंड एंड बिल्डिंग उठा लीजिए अब बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग उठा लीजिए दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग टेन करोड़ तो इसका मतलब वो तुमको कहता है कंपनी तुमको कहती है कि हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है जिसकी वैल्यूएशन दस करोड़ है और इस लैंड एंड बिल्डिंग का ओनरशिप राइट right हमारे पास है इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज किया रहेगा डेप्रिसिएशन इतना चार्ज हुआ हुआ है इसका वैल्यूएशन प्रॉपर है इसका डिस्क्लोजर प्रॉपर है तो वो एक एजर्शन है मैनेजमेंट तुमसे तो कुछ कह रहा है सपोज मान लीजिए पी एंड एल अकाउंट उसमें लिखा हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर ऑफ डायरेक्टर फाइव लाख रुपीज़ इसका मतलब वो तुमसे कुछ कह रहा है क्या कह रहा है कि हमारे डायरेक्टर्स ट्रैवलिंग के लिए गए थे और वो ट्रैवलिंग बिजनेस पर्पज़ के लिए था उसमें पाँच लाख रुपए खर्च हुए थे और ये ट्रैवलिंग ऑथराइज था बाय द सीनियर मैनेजमेंट क्या बात कर रहे हो सर ये सारा कुछ कहा लिखा है अरे भैया वही तो एजर्शन है समझ में आना चाहिए है ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर एक आइटम तुमसे कुछ कह रहा है तो का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द द मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो एजर्शन है वो विध रिस्पेक्ट टू तो अकाउंट बैलेंसेस हो सकते हैं क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं एंड डिस्कलोजर्स हो सकते हैं अब एक चीज और ध्यान रखिए ऑडिट में नॉर्मली जब हम ऑडिट की भाषा यूज करते हैं तो हम बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं बुलाते बैलेंस शीट के हर एक आइटम को हम अकाउंट बैलेंस बुलाते हैं सिमिलरली पी एंड एल के हर एक आइटम को हम क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन बुलाते हैं ठीक है जी तो बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं बुलाते वी डोंट से दैट ऑडिटर विल वेरीफाई द बैलेंस शीट वी विल नॉट सेफाई द रिस्क ऑफ मेटर स्टेटमेंट इन द बैलेंस शीट वट वी यूज द टर्मोलॉजी इज दैट ऑडिटर इज गोइंग टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मेटेर स्टेटमेंट इन द अकाउंट बैलेंस लेवल सिमिलरली पी एंडल के लिए क्लास ऑफ ट्रांसक्शन एंड बाकी दोनों के लिए डिस्कलोजर कॉमन रहने वाला है अपना ट वीन बायसर अब उसके अलावा एज ए ऑडिटर ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है तो भाई ऑडिट का डेफिनेशन तुमने देखा है तो ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ओपिनियन एक्सप्रेस करना और ओपिनियन आपन किस चीज के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है क्या बोलते हैं अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है अब इसी चीज को बोलने का एक और तरीका है

is टू रिपोर्ट वेदर the फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री from material misstatement. क्या है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस ओके सर तो सेम चेज को बोलने के तीन तरीके हो गए है ना अब देखिएगा एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल क्या पूछ रहा हूँ सर 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 हमने यहां पे ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज क्यों किया हमने ट्रू एंड करेक्ट वर्ड यूज क्यों नहीं किया हमने ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज इसलिए किया क्योंकि एज ए ऑडिटर अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये रिपोर्ट करना होता है कि चीजें ट्रू एंड फेयर है कि नहीं रिजनेबली करेक्ट है कि नहीं कभी भी एप्सलूट एश्योरेंस नहीं देते हैं अपन रिजनेबल एश्योरेंस देते हैं इसलिए अपन वर्ड यूज करते हैं ट्रू एंड फेयर और ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है ये देखो यार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो हो रहा है कि नहीं जो भी एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए था एफ आर एफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो उसका मतलब होता है कि ये देखो, है या नहीं है तो तीनों चीज कुल मिलाकर एक ही है उसके बाद सर एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय्लीकेबल एफ आर एफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये जो नोट है सर, ये पार्टिकुलरली आप क्या कर सकते हो बाद में आराम से मैराथन आपके पास है यू कैन जस्ट पोस्ट एंड यू कैन नोट इट डाउन अदरवाइज में पीडीएफ का भी गूगल ड्राइव लिंक आपको उसी को अपन बोलते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क अब सर एक चीज बताना खाली फेयर प्रेजेंटेशन खाली एफआरएफ यूज क्यों नहीं किया एप्लीकेबल एफआरएफ क्यों यूज किया एफआरएफ सेम होगा क्या हर एंटिटी के बाद करें तो एफ आर एफ होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन शेड्यूल थ्री कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो एफ आर एफ अलग रहेगा बैंकिंग कंपनी की बात करें तो एफ आर एफ अलग रहेगा इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो एफ आर एफ अलग रहेगा तो दैट इज वाई वी यूज दर्ड एप्लीकेबल एफ आर एफ लॉजिक समझ में आया यस yes. अब देखिएगा अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तो सिंपल मतलब क्या है फ्रेमवर्क यूज बाय द मैनेजमेंट फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है अब यहां पे ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दो टाइप्स का होता है एक होता है जेनरल एक होता है जनरल पर्पज एक होता है स्पेशल पर्पज एक क्या होता है जनरल पर्पज एक होता है स्पेशल पर्पज व्हाट इज जनरल पर्पजस व्हाट इज स्पेशल पर्पज देखो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं ना दो प्रकार के बनते हैं एक होता है जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरा होता है स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब मान लो रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम जाते हो डाउनलोड करते हो तो वो जो रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है वो हर एक व्यक्ति यूज करता है वो तुम भी यूज करते हो वो मैं भी यूज करता हूँ कंपनी के क्रेडिटर्स भी यूज करते हैं कंपनी के इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं कॉमनली सारे के सारे इन्वेस्टर्स यूज करते हैं तो जनरली वो सारे यूजर्स के लिए होता है कॉमनली वो सारे यूजर्स के लिए होता है तो इसलिए उसको बोला जाता है जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब वो जो जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क यूज होता है वो होता है जनरल पर्पज फ्रेमवर्क मतलब वो फ्रेमवर्क जो डिजाइन ही उस प्रकार से किया गया है कि कॉमनली सारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीड्स को कंसिडर किया जा सके दूसरा होता है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब स्पेशल पर्पस मतलब क्या होता है मान लो स्पेशल पर्पज मतलब ये होता है कि लेडस से कंपनी क्या कर रही है एक इंडियन कंपनी है फॉरेन इन्वेस्टर के साथ कोलाबरेट कर रही है मर्ज कर रही है अब फॉरेन इन्वेस्टर ने बोला बोला अरे भाई तेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है वो तो इंडियन एफआरएफ के हिसाब से बना है अपने को तो वो नहीं मांगता तू एक काम कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने देश के कानून के हिसाब से अपने देश के एफ एफ के हिसाब से बना इस तरीके से बना के दे तो कंपनी वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोला जाएगा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो जो फ्रेमवर्क यूज होगा वहां पे उसको बोलेंगे अपन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क तो एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब समझ में आया और मेनली यहां दो फ्रेमवर्क यूज होते हैं एक जनरल पर्पस एक स्पेशल पर्पस लेकिन कॉमनली आप और मैं जिस फ्रेमवर्क को समझते हैं वो है जनरल पर्पस ओके सर अब देखिएगा चाहे चाहे आपन चाहे आपन जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की बात करें या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की बात करें इट right. इन दोनों को ही कैटेगराइज किया जा सकता है फर्दर इनटू टू टाइप्स एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क ठीक है तो चाहे अपन जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की बात करें या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की बात करें दोनों को ही अपन कैटेगराइज कर सकते हैं इंटू टू टाइप्स एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क दूसरा कंप्लायंस फ्रेमवर्क अब ध्यान से सुनिएगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का मतलब क्या है नाम से क्या पता चल रहा है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क मतलब इस फ्रेमवर्क का जो ऑब्जेक्टिव है वो है फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना दूसरा होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क अब नाम से ही पता चल रहा है कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब वो फ्रेमवर्क जिसका ऑब्जेक्टिव है कंप्लायंस एंश्योर करना तो अब देखना फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क भी बोलता है

एफआरएफ के रिक्वायरमेंट से डिविएट भी करते हो तो अलाउड है ठीक है ना तो आप एक्सट्रीमली रेयर में बेटर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के रिक्वायरमेंट से डिविएट भी करोगे तो अलाउड है जैसे कि हमारा शेड्यूल थ्री हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये सारे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अलाउड है एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर ना फ्लैक्सिबिलिटी है ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि देख वैसे तो एफ एफ फॉलो करना है करना है मतलब करना है लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना तो मेन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अगर थोड़ा मोरा सर्कमस्टेंसेस में डिविएट भी करना पड़ जाए फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क तो चलेगा तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब क्या पता है ये जिद्दी फ्रेमवर्क है वेरी वेरी जिद्दी फ्रेमवर्क ये बोलता है कि भैया नो एक्नोलमेंट इज अलाउड उड नो एक्नोलेंट इज अलाउड नो डिविएशन इज अलाउड फॉर एनी परूडिंग टू ऑब्जेक्टिव टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन जो बोला है वैसा कर दिमाग मत लगा जैसा बोला है वैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना दिमाग मत लगा जैसे कि कॉपरेटिव सोसाइटी तो वहां जो फ्रेमवर्क यूज होगा वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है भाई जैसा बोला है वैसा बना ठीक है ना तो वो हो गया कंप्लायंस फ्रेमवर्क तो दो प्रकार का होता है यहां पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और क्या होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क तो फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लायंस फ्रेमवर्क में आप ये समझ सकते हो कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क मतलब ये काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल है ये काइंड kind ऑफ of क्या है सर फ्लेक्सिबल है एक्साम्पल फ्रेंड फ्रेंड ना बहुत फ्लेक्सिबल होता है आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क एक गर्लफ्रेंड की तरह है जो कि बहुत ही रिजिड है जो रिक्वायरमेंट फॉलो करना रहेगा कोई डिविएशन अलाउड नहीं है उसके बाद सर हमने देखा मिस स्टेटमेंट कि मिस स्टेटमेंट क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय मिस स्टेटमेंट ठीक है ना तो मिस स्टेटमेंट की बात करें तो सर मिस स्टेटमेंट क्या होता है तो मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि पार्टिकुलरली एज ए ऑडिटर वी आर आरसर्न विद मटेरियल तो अब मिस स्टेटमेंट होता क्या है बोला अगर कभी भी, अगर कभी कभी भी भी फाइनेंशियल बनाते वक्त देयर इज एनी एनीशन फ्रॉम द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उस डिविएशन को मिस स्टेटमेंट बोला जाता है ठीक है जी और बोला देखो अब एफआरएफ जो है ना जो भी एफआरएफ है ना जिसको यूज करके कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है ठीक है अब उसमें कहीं भी डिविएशन होता है उसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट और वो डिफरेंस कौन से टर्म्स में आएगा वो डिफरेंस कौन से टर्म्स में आएगा वो डिफरेंस आएगा एपीसीडी के टर्म्स में, नहीं। में, के में? मतलब amount, साथ करना, amount, बोला जो भी अमाउंट एफ आर एफ ने बोला जो भी प्रेजेंटेशन एफ आर एफ ने बोला था जो भी क्लासिफिकेशन एफआरएफ ने बोला था जो भी डिस्क्लोजर एफआरएफ ने बोला था उसके विपरीत जाकर अगर कोई अमाउंट डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या कुछ प्रेजेंटेशन करी है या कोई क्लासिफिकेशन करा है या डिस्क्लोजर करा है उसी डिफरेंस को बोलते हैं मिस स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन का अमाउंट एज पर एफ एफ आना चाहिए था दस लाख बट हमने रिपोर्ट किया नौ लाख इसका मतलब जो एक लाख का डिफरेंस है वो मिस स्टेटमेंट है हो कोई एक्सपेंडिचर क्लासिफाई होना चाहिए ने क्लासिफाई कर दिया तो वो जो है ऑडिटर है सिर्फ मेटेर से है. अब सोचो यार तुम रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो तुमको दस रुपए का मिस स्टेटमेंट मिला अमाउंट आना चाहिए था दस लाख और आया नाइन लाख नाइन्टी थाउजेंड तुम क्या बोलोगे रिलायंस को अरे अरे दस रुपए का गलती आया दस रुपए का गलती आया मैं तो मॉडिफाई करूंगा रिपोर्ट को भाई रिलायंस वाला बोलेगा नो सरग गया तो पर्टिकुलरलीज एडिटर वी आर कंसर्न विद मेटेरियल स्टेटमेंट यह चीज भी ध्यान रखिएगा और मेटेरियल मतलब अगला बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आपने अभी चैप्टर में नहीं गए चाहे मैराथन क्यों ना हो पहले यह जरूरी है भाई पहले यह जरूरी है ऑडिट प्रोसीजर्स एज ए ऑडिटर मैं कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूं टू अराइव एट माई ओपिनियन बोला एज ए ऑडिटर मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हैं? तो एज ए ऑडिटर याद रखिएगा मैं दो प्रकार के करता हूं। या तो मैं रैप करूंगा, तो करूंगा क्या करूंगा या तो मैं रैप या तो, तो याद रखिएगा तो ऐसे बोलोगे रैप करेंगे, करेंगे रैप करेंगे क्या बोलोगे रैप करेंगे रैप करेंगे रैप करेंगे रैप का मतलब होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और FAP का मतलब होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स तो सबसे पहले करना होता है अपने को risk assessment procedures, ठीक है है? ना? Risk assessment procedures. Risk assessment procedures का मतलब क्या होता है? यार अभी तो तूने ऑडिट शुरू करा है तूने अभी तो ऑडिट की शुरुआत करी है तो अभी एक बार एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले लो एक बार कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले लो एक बार रिस्क को थोड़ा मोरा आइडेंटिफाई कर लो उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में मेनली चार चीजें आती हैं बोला सबसे पहले आप क्या कर सकते हो इंक्वायरी कर सकते हो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो इंक्वायरी कर सकते हो फिर आप क्या कर सकते हो ऑब्जर्वेशन कर सकते हो उसके बाद आप क्या कर सकते हो थोड़ा मोरा इंस्पेक्शन कर सकते हो और फाइनली आप क्या कर सकते हो एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर सकते हो तो इंक्वायरी कर सकते हो मतलब पूछ सकते हो मैनेजमेंट से बातचीत कर सकते हो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो ऑब्जर्वेशन मतलब जाके ऑब्जर्व कर सकते हो चीजें सही से चल रही हैं कि नहीं इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद से इंस्पेक्ट कर सकते हो और एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो कि एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक होता है भाई साहब बहुत ही जबरदस्त टेक्निक होता है कि आप रेशियो एनालिसिस कर सकते हो आप कंपेरिजन कर सकते हो आप करंट ईयर के इन्फॉर्मेशन को प्रीवियस ईयर के इन्फॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हो आप रिलेशन एनालाइज कर सकते हो क्या कर सकते हो रिलेशन एनालाइज कर सकते हो जैसा सेल्स का कोई रिलेशन जीएसटी के साथ बनेगा तो आप एक रिलेशन एनालाइज कर सकते हो कि यार सेल्स इतना तो जीएसटी इतना होना ही चाहिए सेल्स इतना तो उसके अगेंस्ट कॉस्ट इतनी आनी चाहिए ठीक है ना मान लो आप होटल इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहे हो तो यार रूम्स इतने रूम इतनेक्युपाइड है अगर तो रेंटल इनकम इतना आना ही चाहिए तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स और उसके बाद आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स फिर से दो प्रकार के प्रोसीजर्स में डिवाइडेड होते हैं एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और दूसरा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दूसरा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स देखो एज ए ऑडिटर ना सबसे पहले अपन कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं अपन देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कंट्रोल्स कैसे हैं? क्योंकि लॉजिकल जीच 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 सोचो कि यार अगर कंट्रोल्स अच्छा होएगा ना तो फ्रॉड के चांसेस कम होंगे अपने को अपने ऑडिट प्रोसीजर्स कम करने होंगे लेकिन कंट्रोल्स खराब होंगे ना मतलब फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होंगे अपने को प्रोसीजर्स ज्यादा करने होंगे तो जब अपन कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो उसके लिए अपन परफॉर्म करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करके आप ये असेस करते हो कि इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है या फिर इन अदर वर्ड्स आप डिविएशन फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाई करते हो आप क्या करते हो डिविएशन फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाई करते हो और उसके बाद आप क्या करते हो सब्सेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो सब्सेंटिव प्रोसीजर्स मतलब अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग में आते हो कि अब मैं क्या करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करूंगा अमाउंट चेक करूंगा चेक करूंगा करूंगा वाउचिंग वेरिफिकेशन करूंगा वो सारी चीजें अब आप प्रोसीजर्स में आते हो तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मतलब प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग और जब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो तो आपको मिस स्टेटमेंट मिलता है क्या मिलता है मिस स्टेटमेंट मिलता है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स और दूसरा होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स अरे सर फिर से एनलिटिकल प्रोसीजर्स आ गया ये क्या है दिमाग का भेजा फ्राई हो गया फिर से एनलिटिकल प्रोसीजर्स आ गया हां एनलिटिकल प्रोसीजर्स बहुत कमाल की चीज है कल देखेंगे अपन बहुत कमाल की चीज है ठीक है तो सबसे पहले रैप करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में दो पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करके क्या करेंगे डिविएशन फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करेंगे और फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके अपन मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स दो टाइप्स के एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स और दूसरा होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब होता है आप वाउचिंग करते हो आप वेरिफिकेशन करते हो आप जर्नल एंट्रीज एनालाइज करते हो टेस्ट ऑफ डिटेल्स का मतलब होता है कि प्रैक्टिकली आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एसेस करते हो एट द अकाउंट बैलेंस लेवल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन लेवल डिस्कलोजर लेवल अब समझ में आया एजर्शन पहले क्यों पर आया लैंग्वेज समझ में आना चाहिए तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स का मतलब होता है आप अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन डिस्कलोजर्स इनको प्रॉपरली एग्जामिन करते हो ठीक है सली बात है कि आप हंड्रेड परसेंट चैकिंग नहीं कर सकते अपन वहां तो पर सैम्पलिंग लगाते हैं बट अपन अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन डिस्कोजर्स को तो एग्जामिन करते हैं और दूसरा होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स कि प्रॉपर वे में चेकिंग नहीं करके आप क्या कर सकते हो रेशन एनालिसिस कर सकते हो आप कंपेरिजन्स कर सकते हो आप रिलेशन एनालाइज कर सकते हो कि यार मान लो सेल्स इंक्रीज हुआ तुम ऑडिट कर रहे हो तुमने देखा सेल्स इंक्रीज हुआ और यार सेल्स तो इंक्रीज हुआ बट जीएसटी तो इंक्रीज हुआ ही नहीं मतलब कंपनी टैक्स की चोरी कर रही है तो भाई मैंने ऑडिट करना शुरू भी नहीं करा मैंने फ्रॉड का पता लगा लिया क्या करके एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके तो जबरदस्त टेक्निक है तो एनालिटिकल से समथिंग क्या आप देख सकते हो कि शुरू शुरू में जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करेगा तब भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स काम आएगा और बाद में जब ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा तब भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स काम आएगा दोनों स्टेजेस में काम आएगा ठीक है ना और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसके बाद अपन चैप्टर्स में जाएंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क मतलब मैं तुमको बता दूं पूरा का पूरा क्लासेस खत्म हो जाता है और ऑडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट बच्चा का क्लियर नहीं होता ये ऑडिट रिस्क है क्या वाट डू मीन बाय ऑडिट रिस्क ठीक है तो अपने पास ज्यादा टाइम तो नहीं है शॉर्ट में कोशिश करते हैं कि मैं तुमको दस मिनट में पूरी बात समझा दूं तो ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है ठीक है तो ऑडिट रिस्क का मतलब होता है रिस्क दैट ऑडिटर्स ओपिनियन इज इन अप्रोप्रिएट कि अल्टीमेटली ऑडिटर ऑब्जेक्टिव क्या है भाई ओपिनियन देना ओपिनियन एक्सप्रेस करना लेकिन वो रिस्क की ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो जाए उसी को बोलते हैं ऑडिट रिस्क अब जब ऑडिटर ओपिनियन देता है ओपिनियन दो टाइप्स के होते हैं भाई साहब एक होता है अन ओपिनियन दूसरा होता है मॉडिफाइड ओपिनियन अन ओपिनियन मतलब का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफ आर एफ के हिसाब से है देर इज नथिंग टू बी मॉडिफाइड और मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफ आर एफ के हिसाब से नहीं है ठीक है ना तो ओपिनियन दो प्रकार के होते हैं अब देखो ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए ऑडिटर को देना चाहिए था ऑडिटर को देना चाहिए था ऑडिट करके देना चाहिए था मॉडिफाइड ओपिनियन क्या देना चाहिए था मॉडिफाइड ओपिनियन यानी ये ओपिनियन देना चाहिए था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ नहीं है लेकिन ऑडिटर ने दे दिया ऑडिटर ने दे दिया ये क्या कर दिया ऑडिटर भाई साहब आपने ऑडिटर ने दे दिया अनमोडिफाइड ओपिनियन इसका मतलब ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो गया और इस रिस्क को बोलते हैं ऑडिट रिस्क इस रिस्क को बोलते हैं अपन ऑडिट रिस्क ठीक है जी अब जो ऑडिट रिस्क होता है ना ऑडिट रिस्क को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑडिट रिस्क ज अमेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाई डिटेक्शन रिस्क मेरे साथ रिपीट करोगे आप तीन बार रिपीट करोगे ऑडिट रिस्क रिपीट करो ऑडिट रिस्क इट इजन ऑफ रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाय द डिटेक्शन रिस्क इट इजन ऑफ रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाय द डिटेक्शन रिस्क ठीक है इट इज ए समेन ऑफ रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाय द डिटेक्शन रिस्क अब सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है एक होता है इनहरेंट रिस्क एक होता है कंट्रोल रिस्क एक होता है इनहरेंट रिस्क एक होता है कंट्रोल रिस्क तो कुल मिलाकर ऑडिट रिस्क होता है इनहरेंट रिस्क मल्टीप्लाइड बाय कंट्रोल रिस्क

मान लो कंपनी ने आज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है क्या गारंटी है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में हमेशा वायबल रहने वाला है हो सकता है दो साल के बाद वो प्रोडक्ट आउटडेट हो जाए कोई नया प्रोडक्ट आ जाए टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाए हो सकता है कि नहीं तो वो जो रिस्क है वो है इनहेरेंट रिस्क है ना कि वो रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा उस रिस्क को आप हटा ही नहीं सकते दैट इज वाट इज इनहेरेंट रिस्क ठीक है अब देखिएगा जब हम लोग रिस्क का समझते हैं ना तो हम लोग एक एजम्पन लेते हैं क्या लेते हैं दैट दैट इंटरनल इंटरनल कंट्रोल कंट्रोल सिस्टम सिस्टम इज एब्सेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो अपन ये करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता मतलब एक बार के लिए कंट्रोल्स को भूल जाते हैं वी डोंट कंसिडर कंट्रोल्स वाइल अंडरस्टैंडिंग द ऑफ दफ रिस्क वी डोंट अंडरस्टैंड कंट्रोल्स कंट्रोल्स को सेट असाइड करके अब एक चीज बताना मेरे को एक चीज बताना मेरे को सर जी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है ओ माई गॉड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है यस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है अब बताना भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने की संभावना रहेगी कि नहीं रहेगी टू हंड्रेड परसेंट रहेगी रहेगा ना टू हंड्रेड परसेंट रहेगा आप बोलोगे सर किसी एरिया में कंट्रोल ही नहीं है मतलब वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मिस स्टेटेड होने का चांसेस हंड्रेड परसेंट रहेगा लेकिन एज ए ऑडिटर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग बैलेंस शीट यूज नहीं करेंगे हम लोग पी एंड एल यूज नहीं करेंगे हम लोग क्या यूज करेंगे क्या सिखाया था बेटा अकाउंट बैलेंसेस क्लास ऑफ बैलेंस राइट तो एज्यूमिंग एज्यूमिंग दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट देर इज ऑलवेज अ सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इसी डेफिनेशन को अपन ज्यादा कॉम्प्रसिव तरीके से कल देखेंगे जब अपन रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल का रिविजन करेंगे

कंट्रोल रस का मतलब क्या होता है कंट्रोल रस का मतलब होता है कंट्रोल तो है मगर कंट्रोल बेकार है कंट्रोल किसी काम का नहीं है कंट्रोल रस का मतलब होता है कंट्रोल है मगर कंट्रोल बेकार है किसी काम का नहीं है कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है अब एक चीज बता दूं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना एक चीज दिमाग में बैठा लो याद कर लो एकदम घोट के पी जाओ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना वो होता है पी डी सी अचीव करना वो होता है पीडीसी अचीव करना क्या बोला इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना वो होता है पीडीसी ऑब्जेक्टिव अचीव करना पीडीसी मतलब प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब भी लगाया जाता है उसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि सबसे पहले प्रिवेंट किया जाए मिस स्टेटमेंट को मिस स्टेटमेंट हो ही ना फिर अगर मिस स्टेटमेंट हो गया तो उसे करेक्ट किया जा सके टाइमली बेसिस में डिटेक्ट किया जा सके करेक्ट किया जा सके अब कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या हो गया कंट्रोल है मगर किसी काम का नहीं है मतलब कंट्रोल है मगर वो कंट्रोल ना ही रिस्क को प्रिवेंट कर सकता है ना ही डिटेक्ट कर सकता है ना ही करेक्ट कर सकता है ऑन टाइमली बेसिस तो कंट्रोल रिस्क का डेफिनेशन क्या हो गया सर कंट्रोल रिस्क का डेफिनेशन क्या बन गया स्पेक्टिवलिटी ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट सस्पेक्टिविलिटी का मतलब होता है संभावना प्रॉबेबिलिटी अब मैं सिंपलज में बोल दूंगा भाई मार्क्स नहीं मिलेगा लैंग्वेज तो चाहिए ही चाहिए तो मैराथन में भी नहीं कर सकते हैं सस्पेक्टिविलिटी ऑफ रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट एक्सिस्टिंग इन अकाउंट बैलेंसेज क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन डिस्कलोजर इफ द इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंटेड बाई द एंटिटी आर नॉट एबल टू प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट मेटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस दिस इज वॉट वी कॉल एज द कंट्रोल रिस्क समझ में नहीं आया दोबारा से पीछे जाना दोबारा से सुन लेना दोनों इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड थे हा या ना यस सर दोनों इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड थे बिल्कुल सही बात है तो एक चीज बताना इंटरनल कंट्रोल एज ए ऑडिटर मैं कभी भी कंपनी के लिए डिजाइन करता हूं क्या नहीं करता मैं तो सिर्फ इंटरनल कंट्रोल का असेसमेंट कर सकता हूँ मैं इंटरनल कंट्रोल डिजाइन नहीं करता मतलब इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क ऑडिटर के लेवल पे अराइज नहीं होता है ये मैनेजमेंट के लेवल पे अराइज होता है ऑडिटर कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट ऑडिटर कभी भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता ओके okay, सर अब एक होता है डिटेक्शन रिस्क डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या होता है डिटेक्शन रिस्क का मतलब कि ऑडिटर रिस्क को डिटेक्ट नहीं कर पाया ऑडिटर रिस्क को डिटेक्ट नहीं कर पाया ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर्स परफॉर्म किया था ऑडिटर ने मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म किया था मगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी वो मेटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया इन अकाउंट बैलेंसेज क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन डिस्कलोजर सो दैट इज वॉट वी कॉल एस डिटेक्शन रिस्क रिस्क दैट इवन द सबेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर

सर मैंने सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करा बट मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाया तो भाई ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करो शायद मिस स्टेटमेंट मिल जाए प्रोसीजर को मॉडिफाई करके देखो शायद तुमको मिस स्टेटमेंट मिल जाए इसका मतलब ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके तुम एज ए ऑडिटर अपने डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो बिल्कुल सही बात है लेकिन इन हर कंट्रोल का तुम कुछ नहीं कर सकते अब एक रिलेशन को समझना अब एक रिलेशन को समझना मैंने क्या बोला ज्यादा सब्सेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके तुम डिटेक्शन रिस्क को कम कर सकते हो ठीक है ना अब एक रिलेशन को समझना एक चीज बताना मुझे अगर इनहर इंटरेस्क ज्यादा है तुमने असेसमेंट किया एज ऑडिटर की यार इनहर इंटरेस्क ज्यादा है कंट्रोल रिस्क ज्यादा है मतलब कंट्रोल्स या तो है नहीं या तो डामाडोल है या तो है नहीं या तो डामा डोल है तो तुम मुझे कल इतना बताना सर एज ऑडिटर आप करोगे या कम करोगे? बिल्कुल सही बात है प्रोसीजर्स तो ज्यादा करेंगे, करेंगे, करेंगे। तो परफॉर्म किया अब जब हमनेटिव प्रोसीजर ज्यादा किया तो सब्सटेंटिव प्रोसेजर ज्यादा परफॉर्म करने के डिटेक्शन रिस्क क्या होता है कम होता है अब एक चीज बताना दोनों में रिलेशन क्या बना इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का जो कंबाइंड असेसमेंट है और जो डिटेक्शन रिस्क है इनका रिलेशन क्या बना सर इनवर्स रिलेशन बना क्या बना इनवर्स रिलेशन बना जब इनहर एंड रिस्क ज्यादा होगा कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा तो मैं ये बोलूंगा भाई वो रिस्क तो ज्यादा है मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके कोशिश करूंगा कि अपना डिटेक्शन रिस्क कम रख सकूं ज वाई उसको बोलते हैं कि देर इज ए इन्वर्स रिलेशनशिप इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल और मैथमेटिकली उसको प्रेजेंट कर सकते हैं तो अगर इनर इंटरेस्ट कंट्रोल रिस्क ज्यादा रहेगा तो अपन सबसे परफॉर्म करेंगे एंड ट्राई टू रेड्यूस रिटेक्शन रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल और अगर ऐसा अपन नहीं कर पाए इफ अनएबल टू रिड्यूस दैन फिर तो कोई आ रहा नहीं है भाई तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव था रिस्क रिड्यूस करना टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल तो अगर तुम वो नहीं कर पाते हो तो तुमको रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ेगा याद रखिएगा एज ए ऑडिटर मैं कभी भी रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकता एज ए ऑडिटर मैं कभी भी रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकता मैं क्या कर सकता हूँ मैं ज़्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके मैं रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पे लाने की कोशिश कर सकता हूँ एक्सेप्टेबल लेवल पे ला पाया तो वेल एंड गुड बहुत अच्छी बात है और एक्सेप्टेबल लेवल पर नहीं ला पाया तो फिर तो भैया रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा कोई सॉल्यूशन हिच नहीं है तो ये सारे कुछ ऑडिट के बेसिक फंडास थे बेसिक कॉन्सेप्ट थे दैट आई बिलीव अब क्लियर हो गया रहेगा ठीक है तो देखो यार मैराथन में लिमिटेशन है तो बेसिक कॉन्सेप्ट में भी मैंने कुछ ही कॉन्सेप्ट लिए हैं टाइम भी कम ही लगाया है रेगुलर क्लासेस होती है तो उसके अंदर बहुत सारी बेसिक चीजें अपन स्टार्टिंग में ही कवर करते हैं टाइम भी ज्यादा लगाते हैं स्टार्टिंग में ही बेस उस तरीके से बनाते हैं कि आगे जाके ऑडिट में कभी तकलीफ ना आए जीवन में तो ये अपना जो बेसिक पार्ट है वो क्लियर हो गया ये बेसिक पार्ट क्लियर हो गया मतलब अपन आगे जा सकते हैं अपन किसी भी चैप्टर में आगे मूव ऑन कर सकते हैं ठीक है जी ओके okay.